साउथ कोरिया ने हाल ही में रूस को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को तुरंत वापस नहीं बुलाया गया तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। बता दें, नॉर्थ कोरिया ने रूस के यूक्रेन युद्ध में सीधे समर्थन के रूप में अपने सैनिकों को भेजा है, जिससे साउथ कोरिया और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। इस संबंध में साउथ कोरिया ने रूस के राजदूत को समन भी भेजा है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के इस सहयोग के बदले में रूस उसे हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, निगरानी प्रणालियां और पनडुब्बियों जैसे महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती है। इससे नॉर्थ कोरिया को अपने सैन्य क्षमता को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साउथ कोरिया ने रूस के राजदूत को तलब करते हुए नॉर्थ कोरिया के 1500 स्पेशल फोर्स सैनिकों की रूस में तैनाती पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें, ये सैनिक रूस में पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जल्द ही इन्हें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने की उम्मीद है। ये नॉर्थ कोरिया का पहला मौका है जब उसने किसी अन्य देश के लिए सैन्य समर्थन दिया है। साउथ कोरिया के उप विदेश मंत्री किम होंग क्यून ने इस कदम को गंभीर सुरक्षा खतरा बताया है। बता दें, नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हाल ही में हुए एक सैन्य समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की रूस में तैनाती हुई है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूसी नौसेना के जहाजों से व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं। किम होंग क्यून ने रूस से तुरंत इन सैनिकों की वापसी की मांग की है और कहा है कि ये न केवल साउथ कोरिया बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा है। साउथ कोरिया के अधिकारियों ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया और रूस दोनों ही देशों पर संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंध है। नॉर्थ कोरिया पर उसके हथियार कार्यक्रमों और रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। हालांकि नाटो ने अभी तक नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि ये तैनाती सच साबित होती है तो इससे यूक्रेन युद्ध में एक गंभीर बढ़ोतरी होगी और ये युद्ध और भी लंबा खिंचता चला जाएगा।